वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तो ये अपने शहजादे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आए हैं और पहले ये इसकी इंट्रोडक्शन करा दूं भाई की, और मुझे जरूरत नहीं है बताने की मैं कौन हूँ। लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, तो मेरे बारे में, साथ मेरी लाइफ के बारे में और मेरे सब चीज के बारे में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से कैसे आया और आज मैं कहाँ हूँ, और आपकी सबकी दुआएं हुई तो आगे तक जाऊंगा। तो कहाँ से भाई? मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मेरा हमारी कंपनी का ये है, हमारे पास बाइक राइडर और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पाए हैं। तो हमारी कंपनी का कैसे क्या पता चला, कैसे चला? यूट्यूब के जरिए आपकी वीडियो देखे, आपकी टीम से बात हुई, आपसे मैसेज व्हाट्सएप पे बात हुई मेरी, और फिर मेरा कोई आपका ये जेन्युइन लगा और मैंने आगे का प्रोसेस। यूट्यूब पर तो और भी हैं, उनके पास भी तो डिलीवरी की ऐड कर रहा है। मेरा मन आपके साथ ही जुड़ा है भाई, हां सही है, अपना काम यहीं से होगा। सीन क्या होता है कि मैं बहुत सी वीडियो में बोलता हूं कि एक चैन सिस्टम से अच्छा है कि आप डायरेक्टली उसके पास जाएं। आप किसी पड़ोस में जा रहे हैं या फिर किसी कोई भी मुंह उठाकर यूट्यूबर कोई भी बोल देता है भाई हमें बाइक राइडर चाहिए, बाइक राइडर चाहिए, और मैंने अपनी कंपनी ओपन की है आज नहीं, या फिर हमें किसी कंपनी के लिए बाइक राइडर चाहिए। सिस्टम क्या ना हो गया ना, क्या हुआ, चैन सिस्टम सही है। कल की डेट में तुम विजय हो, मैं कंपनी का ओनर हूं, किसी भी कंपनी का ए टू जेड मान लो, आपके पास कोई दूसरा बंदा अप्लाई कर रहा है आपके ट्रस्ट पे, कल की डेट में मैं आपके साथ गलत कर दूं डिलीवरी कंपनी वाला, नुकसान किसका हो रहा है? सब दोनों का होगा ना, आपका कुछ नहीं होगा। आपने भी कहा था ना कि यार ये हो गया, नुकसान किसका होगा, क्योंकि वो बेचारा चैन सिस्टम से आ रहा था। सही है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली उस बंदे के पास आता कंपनी के, तो उनसे होता हुआ। तो ये चीज होती है, ये चीज है ना, थोड़ा सा सोचने होती है और देखना होता है कि मार्केट में कौन कितने टाइम से चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नया आया और नया बंदा आया वो कहता है हंगामा कर करके कि भाई ये चीज चाहिए, ये है, ये है मेरे पास, ये काम है, और बस आप वो कहते ना भेड़ चाल, बस आंख बंद करके कुएं में कूदना शुरू हो गया पीछे 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 पीछे। किसी भी कंपनी में जा रहे हैं आप या किसी भी बंदे को आप मान रहे हैं, पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लें। सही है। कितने टाइम से मार्केट में है। ऐसा नहीं कि मेरे खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, देखी भी होगी तो वीडियो, लेकिन किसी वीडियो में प्रूफ दिखाया। मैं हमेशा कहता हूँ विजय गलत है तो विजय को प्रूफ साबित करें कि विजय गलत है। बोलने का तो मैं भी कह दूं कि भाई तू पड़ोसी की छोरी लेकर भाग गया था 2 साल पहले, भाग गया मेरे कहने से नहीं। या मैं कह दूं कि भाई तू 4 लाख रुपए लेकर भाग गया वो अपने गली में से किसी के, मेरे कहने से सच हो गया नहीं। लेकिन अगर वही चीज मैं तुम्हारे पड़ोसी या तुम्हारे दोस्तों के थ्रू बुलवाऊं और विद प्रूफ दिखाऊं तो यकीन करने वाली चीज है। तुम्हारा मेरा कॉन्टेक्ट हुआ व्हाट्सएप के थ्रू, हो तो प्रूफ होगा ना। अगर मैं कल तुम्हारा तुमने मुझे पैसा भेजा, मैं तुम्हारे घर आया नहीं, या तुम मेरे घर आए थे, चैटिंग हुई व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है, तुमने से मेरी बात हुई व्हाट्सएप पे या मेरे टीम मेंबर से बात हुई, और उसके बाद इमेजिन करो तुमसे पैसा ले लिया गया और फिर तुम्हें ब्लॉक कर दो। सही है। लेकिन अरे प्रूफ तो है ना तुम्हारे पास, है ना, क्या प्रूफ है? व्हाट्सएप चैटिंग है, पैसा भेजा हुआ है विजय के अकाउंट में, हरियाणा के किसके अकाउंट में भेजा, कंपनी के करंट अकाउंट में भेजा होगा ना। ये चीजें होती है, लेकिन कोई आगे खड़ा होगा तुम ही कहो कि भाई विजय को मैंने 10 लाख रुपए दिए, लेकिन चैटिंग का तो प्रूफ होगा कि विजय को तूने फोन हवा हवा में बात करके मैसेज छोड़ दिया रात को सोते हुए कि विजय भाई तू आ जाइयो, ठीक है मुझे भी नींद में सपने आ गए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये चीजें होती है। दूसरी चीज, आप किसी कंपनी में अप्लाई करना, पहले कंपनी का रिकॉर्ड चेक कि भाई अब मेरी कितनी वीडियो होगी बाइक राइडरों की दुबई के अंदर की और मेरे ऑफिस की, कि कितने टाइम से मेरी डिलीवरी कंपनी चल रही है, कितने राइडर मैंने ऑन रोड किए हैं विद प्रूफ विद बाइकों के साथ, और मेरे इन्वेस्टर जो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्री में जिन्होंने आंख बंद करके बाइकें भी लगाई हुई है, इस महीने भी हमने 60-70 बाइकें खरीद दी है, बल्कि एक्स्ट्रा बाइक है। तो ये सब चीजें ना मैं पब्लिक शो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखाई दे आप किसी गलत हत्ते ना चढ़े। विजय के पास लेट हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। मैं जिस रूम में हूँ उसमें काफी 10-12 लोग हैं। तुम परसों आए थे ना? हाँ। परसों ही आए थे, रात के टाइम की फ्लाइट थी। हाँ। लेकिन मैं कहीं बाहर था तो सॉरी भाई लेने नहीं आ पाया। नहीं नहीं भैया आए थे। हाँ। तो उसके बाद मैं कल शायद ऑफिस नहीं आया था, कल संडे था। हाँ कल संडे था, वो छुट्टी थी
आज भी मैं शाम के टाइम आया हूँ 6 बजे ऑफिस। तो अब मेरी मुलाकात हुई भाई से, अब क्या बता रहे थे तुम? मैं जिस रूम में रह रहा हूँ उसमें 18 लोग हैं, उसमें से मेरे को छोड़ के सब बाकी सब वो विजिट भी आए और एज 5-6 महीने हो गए, वीजा खत्म हो गया, सब लोग बोले फंसा के छोड़ दिया पैसा लेके। तुमसे भी तो कुछ बात की होगी ना लोगों ने, क्या कहा? मैं बोला मेरा एम्प्लॉयमेंट वीजा बोला तुम्हारा अच्छा है, हमने ये लेके आ गए। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया है, अभी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, हेल्पर, क्लीनर, बाइक राइडर्स, इस तरह के हमारे पास खुद के। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं विजिट टू एम्प्लॉयमेंट हम काम नहीं कर रहे, बाइक राइडर है, ये थोड़ा नजदीक कर भाई, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर लड़का है, ठीक है। और अगला बैच भी जल्दी आने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार हमने भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे करके बस बुला लेने हैं और बस यहाँ छोड़ देने हैं, कंपनी अपने हिसाब से प्रोसेस कर रही होती है, वीडियो लंबी बन जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बस आग बंद करके भर के लिया और यहाँ छोड़ दो। अभी तुम बता रहे थे ना कितने बंदे वहां पे हैं, ये हालात होते हैं यहाँ सस्ते के चक्कर में, उनसे हकीकत ये ना कि वो सस्ते के चक्कर में फंसे, पैसा दे के आ गए और अभी फंस के बैठे इधर। कोई कहता है कि भाई 60,000-50,000 का पैकेज लेकर आए, भाई 50-60 हजार में बंदा तो तुम्हारे साथ तो गेम होनी, अगला बचाएगा क्या? फिर विजिट वीजा 3 मंथ का भी निकालते हैं 16,500-17,000 का समथिंग पड़ता है, टिकट भी आजकल महंगी है, 17,000-18,000 की टिकट है। तुम 50,000 का पैकेज लेके आ रहे हो, उस बंदे ने यार रखना भी एयरपोर्ट से लेके भी आना है यार, तो महंगी चीज देख के लोग डर जाते हैं यार महंगा है, लेकिन सस्ती की चीज में फंसते भी है। अभी हमारे पास जो भी काम चल रहा है वो सब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, हम पहले प्लेसमेंट का काम करते थे, अभी भाई प्लेसमेंट हमारा 10-20% रह गया, क्योंकि हमें अपने कामों से फुर्सत नहीं है, हमें हेल्पर चाहिए, वेयर हाउस हेल्पर, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ मैं अपना खुद का, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड हमें लड़कियां चाहिए, 20 लड़कियां सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमें, और बाइक राइडर का अपना खुद का है सारा सेटअप, ठीक है। और एक लड़के ने मुझे कहा था कि मुझे भाई हिम्मत हार गया हूं और काम करता करता थक गया हूं, तो एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और ब्रेड हुक और सचिन आमने सामने थे, और एक सचिन के सामने जो था ये नया लड़का था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसने सचिन का विकेट ले लिया, सचिन को आउट कर दिया। सचिन इस इंडस्ट्री का जो क्रिकेट है इसका गॉड माना जाता है, तो उसको एकदम से ऐसा लगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, नया लड़का था, उसका पहला मैच था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम मैंने कर लिया, ठीक है। इंटरेस्टेड है स्टोरी, वो ध्यान से सुनिएगा। तो जब मैच खत्म हुआ तो वो गया सचिन के पास और ऑटोग्राफ लेने के लिए कि सर मैंने आपको आउट कर दिया, बड़े रिस्पेक्ट से बात की क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। सही है। तो सचिन ने ऑटोग्राफ में क्या लिखा होगा? सचिन ने ऑटोग्राफ में साइन नहीं किया, उसने एक चीज लिखी कि ये सन कभी बोलना मत क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ये दिन कभी नहीं आएगा दोबारा। सही है। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होता, अगर कोई चीज बंदा कहता है कि दोबारा नहीं आएगा एटीट्यूड के हिसाब से या फिर अपने घमंड में कि भाई मैं सचिन हूं, ये लाइन लिखने के बाद उसने सचिन ने प्रैक्टिस कितनी की होगी कि उस बंदे से मेरी दोबारा विकेट ना गिर जाए, समझ लो। ये चीज सिर्फ उसने लिखी नहीं थी, उसको लिखने के बाद उसने इतनी मेहनत की होगी कि ये दोबारा ऐसा दिन कभी ना आए इसकी लाइफ में कि मेरी जबान जुटी पड़ जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, क्या ना कि जुनून, पागलपंती और एक है ना बेइज्जती, लाइफ में जो बेइज्जती होती है ना किसी की, बड़ा जलील कर देती लाइफ, तो जलील होने वाला इंसान ही कामयाब होता है। और दुबई के अंदर अगर कोई एक टाइम भुक्का ना रहे ना तो कभी कामयाब नहीं होता है। बाप के पैसों पर तो एंजॉय दुनिया करती है भाई, अपने पैसों अगर बाप को एंजॉय कराया जाए ना तब बच्चा कामयाब होता है। तो ये चीज है भाई, ये इनका पासपोर्ट है, पासपोर्ट मैं शेयर नहीं कर सकता वीडियो में क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। वीजा हमारा भाई, ये मैं पब्लिक शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह ये आए हैं कुछ बोलना भाई फैमिली को या पब्लिक को, किसी को कुछ भी मैसेज छोड़ना है? भाई ये है कि मैं आया हूँ और इनका काम जेन्युइन है बराबर, आप किसी को आना है तो आ सकते हैं। ऑफिस भी देखा होगा तुमने, तुम्हारे सामने बाइक राइडर भी आए हैं, ठीक है, और ऑफिस का स्टाफ भी है, सारी चीजें हैं, पूरा सेटअप है, तो ये खाली वीडियो बना के डालते हैं, काम भी होता है पूरा। मैं कल भी था, आज भी हूँ, और हालात बुरे थे तब भी था और आगे भी रहूंगा, और आपको बोल दूं कि जब मरूंगा तो 8 कंधों पे जाऊंगा, दुनिया 4 पे जाती है, और मरने के बाद भी दुश्मनों
चाहे फॉलोवर हो सब्सक्राइबर हो, या तो दिल में रहूंगा या दिमाग में रहूंगा। और बहुत से लोग कहते कि विजय भाई तेरा एटीट्यूड ये है वो है, भाई एटीट्यूड कमाया है, विरासत में नहीं मिला। जब इंसान मेहनत से किसी चीज को मुकाम पे पहुंचता है ना, तो उसको होता है कि भाई मैंने मेहनत करके ये सब चीज हासिल की है। 800 दिरहम लेके कभी दुबई में खुद आया था, और मेरे ख्याल से मैंने कभी रिश्तेदारों से या फिर किसी दोस्त से हेल्प नहीं मांगी। जो भी किया उस 800 दिरहम से यहाँ तक सेटअप किया है, और मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें आगे तक ऐसे चलती रहे। और मेरे जैसा, मैं नहीं कहता कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं आएगा मार्केट में, कोई ना कोई आएगा, और हंगामा करने वाला मेरे से भी शानदार आएगा, लेकिन जब तक मैं हूं मैं हूं। तो यही कहूंगा कि विश्वास बना के रखें, कमेंट्स करते रहा करें, वीडियो शेयर करते रहा करें, और अपने फैमिली के लिए कोई मैसेज। बस अच्छे है, आ गया, काम हो रहा है, सब ठीक ठाक है। घर में कौन कौन है आपके? घर में छोटा भाई है, माँ है, पापा है। तो भाई अंकल जी, शायद इसकी लाइफ में आने वाले 6 मंथ बद से बदतर होने वाले। कहते ना कि जब तक लोहे को पिटा ना जाए, सही है, वो मजबूत नहीं बनता, ना वो आकार बदलता। तो अभी इसकी लाइफ में जब तक ये लाइसेंस लेके ऑन रोड नहीं होता, और ऑन रोड होने के बाद भी जब तक ये धूप में पकेगा नहीं और काम सीखेगा नहीं, तब तक इसके दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, प्यार मोहब्बत ना दिखाइएगा थोड़ी, ठीक है? और उस दिन का इंतजार कीजिएगा कि जिस दिन ये आपके अकाउंट में पहले दिन अपनी सैलरी भेजे, और आप अपने पड़ोसियों को छाती ठोक के कहें कि भाई मेरे लड़के का पैसा आना शुरू हो गया, और आप लड्डू बांट दें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाइक राइडर की हायरिंग स्टार्ट है, पिछली वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें हमने कुछ वैकेंसियों के बारे में भी बताया हुआ है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है सभी के सभी, गौरव से कॉन्टेक्ट करते रहा करें, स्टेटस हमारे चेक करते रहा करें, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, ताकि अगर किसी को पर्सनली बात करें तो इनबॉक्स में जाकर मुझे मैसेज छोड़ दिया करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम आजकल थोड़ा यूज कर रहा हूँ। और बस दो मैं